दोस्तों मैं शुभी आज फिर से एक बार लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी खबर और आपका स्वागत करती हूँ चैनल फिल्मी अड्डा पर। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कौन नहीं जानता और आजकल तो उनके नेक काम के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। सोनू ने 20,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का ये नेक काम किया है। सोनू के इस नेक काम की तारीफ चारों तरफ हुई है, लेकिन सोनू सूद अभी तक रुके नहीं हैं। हाल ही में सोनू ने किर्गिस्तान में फंसे लगभग 2500 भारतीय स्टूडेंट्स को भारत में लाने का प्लान बनाया है। सोनू ने छात्रों को अपने वतन वापस बुलाने के लिए स्पाइसजेट एयरलाइंस का विमान भी बुक कराया है। 10 फ्लाइट के जरिए ये स्टूडेंट्स भारत वापसी करेंगे। पहली फ्लाइट भारत में लैंड कर चुकी है। 135 छात्रों को लेकर गुरुवार की शाम 4 बजे विमान ने उड़ान भरी और रात 9:40 पर वाराणसी के बाबतपुर पहुंची। दरअसल ये फ्लाइट बुधवार को आनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से एक दिन का डिले हो गया। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विमान से 10-10 की संख्या में छात्रों को उतारा गया। विशेष मेडिकल टीम ने सभी की जांच की और उसके बाद उन्हें बाहर आने की इजाजत दी है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी छात्रों से फॉर्म भी भरवाए गए और होम क्वारंटाइन का आदेश भी दिए गए हैं। 135 छात्रों के सकुशल भारत लौटने की जानकारी खुद सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। सोनू सूद ने लिखा, किर्गिस्तान से वाराणसी तक पहली फ्लाइट आ चुकी है और यही देखकर मैं काफी खुश हूँ। स्पाइस जेट का बहुत बहुत शुक्रिया इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। किर्गिस्तान की दूसरी फ्लाइट 24 जुलाई को उड़ान भरेगी। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे कृपया अपनी अपनी डिटेल्स जल्दी से भेजें। अपने वतन पहुंचकर हर छात्र की जुबान पर केवल सोनू सूद का ही नाम है। उनकी तारीफ करते हुए कोई भी थका नहीं है। छात्रों का कहना है कि सोनू सूद हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने देश पहुंचे हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने बताया कि जब हम मजदूरों को उनके घर भेज रहे थे, तब किर्गिस्तान में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके माता पिता ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि बच्चे बहुत समय से अपने देश वापस आना चाहते हैं, कृपया आप मदद करें। 3,800 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी जिस पर हमने काम किया कि कैसे उन्हें वापस ले आया जाए। मेरी टीम ने लिस्ट बनाई। 12 घंटे का ये सफर होगा। इसके बाद मैंने स्पाइस जेट से कांटेक्ट किया। सोनू ने कहा, मैंने सोचा कि ये लोग हमारे देश का भविष्य हैं। ये सभी डॉक्टर बनने वाले हैं, इन्हें तो देश वापस लाना ही होगा। फिलहाल 135 स्टूडेंट घर वापसी कर चुके हैं और जल्द ही बाकी भी सब अपने देश लौट जाएंगे। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें चैनल फिल्मी अड्डा और सारी वीडियोस को देखते रहें, ताकि उससे आपको भी नॉलेज में रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, खासकर बॉलीवुड लाइफ में। थैंक यू।